हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी मलेरिया इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, इनोकुलेट करता है। क्या चीज़? स्पोरोजोइट। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। जब भी हमारी जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस है वो ब्लड मील जब भी लेती है किससे, ह्यूमन से, तो उस टाइम पे वो क्या करती है, इनोकुलेट्स करती है। क्या चीज़? स्पोरोजोइट। इनोकुलेट्स स्पोरोजोइट्स। किसके अंदर किए इसने इनोकुलेट? ह्यूमन के अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारी फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस थी, जब उसने ब्लड मिल ली, मतलब कि जब उसने ह्यूमन को काटा, वहाँ से ब्लड लिया, तो उस टाइम पे उसने क्या चीज़ इनोकुलेट कर दी? स्पोरोजोइट। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। ये पहली स्टेप किसमें? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में। फिर बाद में क्या होता है, जो हमारे स्पोरोजोइट होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं किसको? स्पोरोजोइट ने क्या किया, इन्फेक्ट किया लिवर सेल को। अब हमारे जो लिवर सेल थे वो इन्फेक्ट हो गए। फिर बाद में क्या होता है, जो हमारे स्पोरोजोइट होते हैं ये क्या करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्किजोन्स। अब इन्होंने क्या किया, मैच्योर हो गए, स्किजोन्स में कन्वर्ट हो गए। फिर बाद में क्या होता है, ये जो हमारे स्किजोन्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और रिलीज करते हैं क्या चीज़, मीरोजोइट्स। ये जो हमारे स्किजोन्स हैं ये रप्चर करते हैं और क्या चीज़ रिलीज करते हैं, मीरोजोइट्स। अब क्या चीज़ रिलीज हो गई, मीरोजोइट्स। फिर बाद में क्या होता है, जो हमारा इनिशियल रेप्लिकेशन होता है किसके अंदर, इनिशियल रेप्लिकेशन होता है किसके अंदर, लिवर के अंदर। सबसे पहले हमारा जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो इनिशियल किस में हो रहा है, लिवर में। फिर बाद में क्या होता है, जो हमारा पैरासाइट है, मतलब कि जो हमारे मीरोजोइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फिर बाद में एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसके अंदर, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। मीरोजोइट्स क्या करते हैं, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, मतलब कि आरबीसी के अंदर, ठीक। फिर बाद में क्या होता है, ये जो हमारे मीरोजोइट्स होते हैं ये इन्फेक्ट करते हैं फिर किसको, आरबीसी सेल्स को, मतलब कि एरिथ्रोसाइट्स को। ये साइकिल चलती रहती है और कॉज करती है क्या चीज़, फीवर। फीवर कॉज करती है हर टाइम। और जो पैरासाइट होता है वो इन्वेड हो जाता है फिर किसमें, ब्लड सेल्स में। जो हमारा पैरासाइट है वो इन्वेड हो गया किसमें, ब्लड सेल में। फिर आगे क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है जानते हैं, आगे क्या होता है इसमें। फिर बाद में क्या होता है, जो हमारे कुछ आरबीसी, मतलब कि जो हमारे इन्फेक्टेड आरबीसी होते हैं वो क्या करते हैं, लीव कर देते हैं क्या चीज़, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन की साइकिल को। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ आरबीसी सेल ने जो हमारी एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन साइकिल है उसको लीव कर दिया। फिर बाद में क्या होता है, रेप्लिकेशन ना करके जो हमारे मीरोजोइट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, सेक्सुअल फॉर्म में, किसकी, पैरासाइट की, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट। अब क्या हुआ, जो हमारे मीरोजोइट से वो डेवलप हो गए सेक्सुअल फॉर्म में पैरासाइट की, जिसको कि हमने क्या कहा है, गैमेटोसाइट्स। और ये जो हमारे गैमेटोसाइट्स होते हैं ये सर्कुलेट करते हैं किसमें, ब्लड में। बाद में क्या होता है,
जब मॉस्किटो बाइट करता है किसको? इन्फेक्टेड ह्यूमन को. व्हेन मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन. वो इन्फेक्टेड ह्यूमन क्यों है? क्योंकि उसके जो हमारा ब्लड है उसके ह्यूमन का, उसमें गैमेटोसाइट प्रेजेंट है. जब भी मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को तो वो क्या इंजेस्ट करेगा? मॉस्किटो ने इंजेस्ट कर लिया किसको? गैमेटोसाइट को. और ये जो हमारा गैमेटोसाइट होते हैं ये फर्दर डेवलप हो जाते हैं किसमें? मैच्योर सेक्स सेल में. फर्दर डेवलप्ड किसमें? मैच्योर सेक्स सेल्स, कह सकते हो गैमेट्स, मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट. बाद में क्या होता है? मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो क्या करता है? पेनिट्रेट करता है किसको? फीमेल गैमेट को. पेनिट्रेट करने के बाद में क्या चीज़ फॉर्म कर लेता है? वो जायगोट. जायगोट हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है? ये मॉस्किटो के स्टमक में. कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन अकर करता है. फिर बाद में क्या होता है? जो जायगोट है वो मोटाइल हो जाता है. जायगोट बिकम मोटाइल एंड एलोंगेट. और फिर ये क्या करता है? इन्वेड करता है किसको? मॉस्किटो की मिडगट वॉल को. इन्वेड मिडगट वॉल ऑफ मॉस्किटो. जब ये मोटाइल हो गया, एलोंगेट हो गया, फिर इसने क्या किया? इन्वेड कर दिया मिडगट वॉल को. किसकी? मॉस्किटो की. फिर आगे क्या होता है? फिर मिडगट में क्या होता है? जो हमारा जायगोट है जो कि इन्वेड हुआ है किसमें? मिडगट वॉल में. वो क्या करता है? डेवलप्ड हो जाता है किसमें? ऊसाइट्स में. अब जो हमारा जायगोट है वो डेवलप्ड हो गया ऊसाइट में. फिर बाद में क्या होता है? जो हमारा ऊसाइट है वो ग्रो करता है, रप्चर करता है और रिलीज करता है क्या चीज़? स्पोरोजोइट्स. स्पोरोजोइट्स जो हमारा ऊसाइट था वो ग्रो किया, रप्चर किया और रिलीज किया उसने क्या? स्पोरोजोइट्स. फिर आगे क्या होता है? जो हमारे स्पोरोजोइट्स होते हैं, स्पोरोजोइट्स वो कहाँ पे जाते हैं? सेलिवरी ग्लैंड में. जो हमारे स्पोरोजोइट्स थे वो कहाँ गए? सेलिवरी ग्लैंड में. अब यहाँ पे क्या होगा? जो मॉस्किटो है उसके पास में क्या है? स्पोरोजोइट उसके सेलिवरी ग्लैंड में. फिर बाद में जब भी मॉस्किटो क्या करेगा? काटेगा, मतलब कि इन्फेक्ट करेगा या उससे ब्लड मिल लेगा किससे? ह्यूमन से. तो फिर बाद में क्या होगा? ये जो स्पोरोजोइट्स थे जो कि प्रेजेंट है किसमें? मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में. ये फिर ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें? ह्यूमन में, जब वो उससे ब्लड मिल लेगा. ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है. होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइफ साइकिल रन करती है किसकी? प्लाज्मोडियम की. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.